गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें हमारा पहला फंक्शन जो है वो है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। हमें जब भी मार्केटिंग करनी है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, स्टार्टिंग कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट अभी इस टाइम पे फंक्शन कैसे कर रहा है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ मार्केटर इज़ टू गैदर एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक वेरियस डिसीजन फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। अभी ऑलरेडी मार्केट में है क्या, थ्रेट्स क्या हैं, एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस टाइम पे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। देन डिसाइडिंग what opportunities can best be pursued by it. For example, rapid growth is predicted in several areas in the Indian economy, say in the use of the internet, market for cell phones and several other areas. Which of these area a particular organization should enter or in which area should it expand requires a careful scanning of the strength and weakness of the organization, which is done with the help of careful market analysis. हमें बहुत ज़रूरी है चीज़ें पता करना कि क्या इस टाइम पे ट्रेंड में है मार्केट में, उस हिसाब से हम वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करें। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क इज मार्केटर इज़ टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केट प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। For example, a marketer of color TV having 10% of the current market share in the country aims at enhancing his market share to 20% in the next 3 years. He will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects, including the plan for increasing the level of production, promotion of the product, and specify the action program to achieve these objectives. Right, next is product designing and development. Another important marketing activity or decision area relates to product designing and development. ये होता है कि प्रमोशन करना है तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है। द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। अ गुड डिज़ाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। अब कार है, कार आपके पास BMW भी है, मारुति भी है, दोनों से आप जा सकते हो, लेकिन क्यों BMW कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी डिज़ाइन है, उसका एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस विच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स द बायर दैट गुड्स कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग एंड रिड्यूस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवेलुएशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि सारे प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मोंटे कार्लो का कोई शर्ट लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका 30 साइज़ कुछ और है, 34 साइज़ कुछ और है। एक स्टैंडर्ड आप बना दीजिए कि 30 इतना बड़ा होगा, 34 साइज़ इतना बड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, लोगों को जब अपने साइजेस पता होंगे तो वो रैंडमली खरीद लेंगे, बार बार उनको चेक नहीं करना पड़ेगा। ये मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो आपसे रेंज पूछी जाती है, वो रेंज इसीलिए पूछी जाती है कि 500 से 1000 का कुछ और क्वालिटी होगा, कुछ और फीचर होंगे, 1000 टू 1500 में कुछ अलग क्वालिटी होंगे, फिर 2000 से 3000 के बीच का कुछ अलग क्वांटिटी क्वालिटी होगा। तो प्राइस के हिसाब से ग्रेडिंग मोस्टली की जाती है, जिससे कि स्पेसिफिकेशन अलग अलग पता चल सके। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स। लेबलिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। पैकेज क्या होता है कि कैसे डिज़ाइन करना है, उसको पैक करना है, और लेबल उसके ऊपर क्या प्रिंट करना है। Packaging and labeling have become so important in modern day marketing that these are considered as the pillars of marketing. Packaging is important not only for protection of the products but also serve as a promotional tool. कई बार आप देखते हैं
कैनोपीज लगी होती हैं, उस पर नाम प्रिंटेड होते हैं, कई बार प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आपका कोई डिलीवरी आती है तो अमेज़ॉन उस पर बॉक्स पे प्रिंटेड होता है. क्यों? क्योंकि उससे प्रमोशन होता है. समटाइम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ असेस्ड बाई द बायर्स फॉर इन packaging. We have seen that the success of many of the consumer brands in recent times, such as Lay's or Uncle Chips potato wafers, Clinic Plus shampoo and Colgate toothpaste, packaging has played an important role. Inke packaging ki wajah se inka bahut zyada wahan pe growth raha hai. Tomorrow we'll start with branding.